करेंगे बच्चों द्वारा। लवनी आनंद जी मंच और हम लोग के बड़े भाई श्री महेश्वर सिंह जी जो विधान पार्षद है उपस्थित है कांग्रेस। हम सादर आमंत्रित करते हैं कर्म जोशी के साथ जोरदार तालियों के बीच आदरणीय राय जी जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोतिहारी श्री अखिलेश्वर यादव जी मुमताज आलम जी शैलेंद्र शुक्ला जी और लालू जी से लड़े। हम कौन लोग हैं? हम लड़ते हैं तो खम ठोक के लड़ते हैं और गले मिलते हैं तो पूरे हृदय से हृदय उले उले कर मिलते हैं। लालू जी से हमारी दोस्ती हो गई। लालू जी से लड़े पूरा कोसी सीमांचल गवार। आपके सवाल पर लड़े उन्होंने तो माफी दे दी लेकिन तुम माफ नहीं कर पाए। क्यों क्यों सवाल पूछते हैं? इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। साथ मत दो नहीं दो। आनंद मोहन इतने कमजोर नहीं है। एक मित्र ने कहा कि आनंद मोहन से कोई सहानुभूति नहीं। उसी के शब्द को सिर्फ पर बैठे एक नेता ने दोहराया आनंद मोहन से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। भाई मेरे अर्जी तो नहीं लगाए थे आवेदन तो नहीं दिए थे कि हमसे सहानुभूति रखो। आनंद मोहन वो शख्स है जिससे या तो लोग नफरत करते हैं नहीं तो दिलो जान से प्यार करते हैं। हम उनमें से कहता है हमारे सैकड़ों एमपी हैं, कहते हैं हमारे हजारों विधायक हैं, कहते हैं हमारी पार्टी करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों काडर की पार्टी है, लेकिन मैं समझता आप कुछ नहीं हमारे ठेंगे पर है। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्योंकि कहते हैं जो डर गया वो मानो मर गया। फिनिश होगी कहानी। हम जानते हैं बहुत गलत नंबर डायल कर दिया इस बार। लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं समय के साथ आपका हिसाब करेंगे और ये जो ईंट का जवाब है उसको हम पत्थर से देने का काम करेंगे। ज्यादा इतना भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी की रिहाई पे। वो तो 16 साल काट करके आज मेरे पिताजी आपके बीच में आ गए। उन्होंने एक ऐसी चीज की सजा काटी जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी लेकिन हमने कोर्ट के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाई और अपने हिस्से का न्याय मान करके उसको भी स्वीकारा। लेकिन ऐसे लोग जो आज मंच मंच घूम रहे हैं और बोल रहे हैं दलित विरोधी, अरे भाई शिवराम पता करो यहाँ का एक एक दलित आनंद मोहन जी के साथ है। महेश जी जाओ पता करो वहां का एक एक दलित आनंद मोहन जी के साथ है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी निर्दोष है लेकिन निर्दोष होने के बावजूद हमारे हिस्से का जो भी न्याय था हमने उसे स्वीकारा उसको माना। अब मैं आपको एक बार चेताने की कोशिश कर रहा हूं। चेतन हूं चेताना मेरा काम है। मैं ऐसे सभी लोग को चेता रहा हूं कि जब हमें कोई छेड़ता नहीं है तो हम चुप हैं लेकिन अगर छेड़ दोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैं बताने के लिए आया हूं और ये ऐसे सभी लोगों को ये जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं।